दोस्तों अब ये बिना ऑयल के बनाकर दिखाऊंगी मैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं कविता श्रृंगारी अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ, वो भी तहे दिल से। तो दोस्तों, काफ़ी सब्सक्राइबर के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें मिलेट्स के आटे की रोटी बनाने में मुश्किल आ रही है। तो आज हमने डिनर तो करना ही है, तो मैंने सोचा कि उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और हमारा डिनर भी बन जाएगा। तो चलिए मेरे साथ आज हम बनाते हैं फॉक्सटेल मिलेट की रोटी। तो दोस्तों, मैंने एक कटोरी फॉक्सटेल मिलेट का आटा लिया है। जब आटा गूंदना है तो काफ़ी गर्म पानी लेना है, तो मैंने आधा ग्लास पानी लिया है। तो इसमें हम थोड़ी सी अपने स्वाद अनुसार रेड चिली डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो थोड़ा सा नमक, रोटी में थोड़ा अच्छा लगता है, ये भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी गर्म पानी है तो इसलिए मैं स्पून का सहारा ले रही हूँ। अब इसको हम हाथ से गूंदेंगे। टू थ्री आवर्स के लिए हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। तो दोस्तों, अब 2-3 आवर्स हो गए हैं, तो अब इसको गूंद लेना है। दोस्तों, मैंने अब गैस को जला दिया। दोस्तों, अब ये बिना ऑयल के बनाकर दिखाऊंगी मैं। गैस को कर देंगे बंद। तो थोड़े से दोस्तों अगर क्रैक्स आ भी जाएं तो कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, ये वाली जो थी जिसमें मैंने ऑयल लगाया था, और ये वाली जो बिना ऑयल वाली जिसमें मैंने ऑयल नहीं लगाया था, तो देखो तो कितनी ये कुरकुरी बनी है। तो मट्ठी की तरह इसे आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, कोई अचार भी ले सकते हैं साथ में, तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल मट्ठी का टेस्ट आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मिलेट्स के आटे की रोटी बनाने की विधि जो मैंने बताई है तो आपको ज़रूर समझ लग गई होगी। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई मुश्किल आई है या नहीं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।